आगे हम लोग देखते हैं ओरेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स। ठीक है, देखो क्या होता है, धातु को अगर हमको निकालना है, ठीक है, धातु हमको प्राप्त करना है, तो ऐसा खनिज चयन किया जाता है जिससे हमें कम अमाउंट में अधिक से अधिक धातु मिल जाए। ठीक है, अगर दो खनिज है, दोनों खनिज में एक ही धातु प्रेजेंट है, अगर एक खनिज में धातु की मात्रा अधिक है तो जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं वहाँ से धातु निकालने के लिए। ठीक है, तो उस जो अयस्क है धातुओं के, उसको यहाँ पर कुछ कुछ बताया गया है जो कि इम्पोर्टेंट अयस्क है। ठीक है, फर्स्ट है मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम जो धातु है उसका अयस्क कौन कौन सा है जिससे हम लोग मैग्नीशियम को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वो है फर्स्ट मैग्नेसाइट। ठीक है, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको बोला जाता है मैग्नेसाइट। उसके बाद है इप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O। उसके बाद आता है डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको मिक्सचर देखने को उसमें मिलता है डोलोमाइट में। ठीक है, उसके बाद आता है कॉर्नेलाइट। कॉर्नेलाइट में मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड .6H2O। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और 6H2O, ये कहलाता है कॉर्नेलाइट। उसी प्रकार से मेटल है कॉपर। कॉपर को हम लोग अधिक मात्रा में निकाल सकते हैं कॉपर पाइराइट से, CuFeS2। ठीक है, कॉपर ग्लास से भी हम कॉपर निकाल सकते हैं, CO2S सल्फाइड है इसका, है ना। मैलेकाइट, मैलेकाइट जो होता है वो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों का मिक्सचर होता है, वही कहलाता है मैलेकाइट। इससे भी हम लोग कॉपर को आसानी से निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आगे है सिल्वर। ठीक, सिल्वर को मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है अर्जेंटाइट से। ठीक है, Ag2S से, इसी कारण इसका सिंबल भी Ag है। सिल्वर का सिंबल Ag क्यों है, क्योंकि इसका जो मुख्य जो कंपोनेंट है, जो मुख्य रूप से जो पाया जाता है, वो अर्जेंटाइट के फॉर्म में पाया जाता है, Ag2S के रूप में पाया जाता है मुख्य रूप से, इसी कारण इसको बोला जाता है सिल्वर को सिंबल से, सो किया जाता है Ag सिंबल से। ठीक है, हॉर्न सिल्वर इसमें है AgCl। ठीक है, AgCl को बोला जाता है हॉर्न सिल्वर, इससे भी हम लोग सिल्वर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आगे है जिंक। ठीक है, जिंक को प्राप्त करने के लिए जिंक ब्लैडी का उपयोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग जिंक को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला है ZnS, जिंक सल्फाइड। ठीक है, उसी प्रकार से जिंकाइट है, जिंकाइट जिंक का ऑक्साइड है जो कि प्रकृति में पाया जाता है, इससे भी हम लोग आसानी से जिंक को निकाल सकते हैं, निष्कर्षित कर सकते हैं। ओके, हाँ, आगे देखिए एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम को कौन कौन से अयस्क से हम लोग निष्कर्षित कर सकते हैं आसानी से। फर्स्ट है बॉक्साइड, है ना, बॉक्साइड का फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जो कि डाइहाइड्रेटेड है, इसको बोलते हैं डाइहाइड्रेटेड। यह है टू मतलब डाई, और H2O को बोला जाता है हाइड्रेटेड, तो हो जाएगा डाइहाइड्रेटेड। क्रायोलाइट Na3AlF6। ठीक है, कोरंडम ये होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। ठीक, अभ्रक, अभ्रक में भी एल्यूमिनियम पाया जाता है, इससे आसानी से निकाल सकते हैं एल्यूमिनियम। यह है K2O3Al2O3.6SiO2.2H2O। ठीक है, आगे है आयरन, है ना, आयरन, आयरन का जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3। ठीक है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला मैग्नेटाइट है Fe3O4। ठीक है, Fe3O4। आयरन पाइराइट है FeS2। कॉपर पाइराइट है CuFeS2। ठीक, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं वो भूपर पट्टी में पाया जाता है, ये कहलाता है खनिज और यही कहलाता है अयस्क। अयस्क क्यों, क्योंकि इससे हम लोग आयरन को आसानी से निष्कर्षित कर सकते हैं। ठीक, आगे है सोडियम। ठीक है, सोडियम को मुख्य रूप से बोरेक्स से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका बोरेक्स का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेक्स, Na2B4O7.10H2O। यह है बोरेक्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है Na2B4O7.10H2O। ठीक, आगे है ग्लोबल साल्ट। ठीक, ग्लोबल साल्ट जो है सोडियम का सल्फेट .10H2O। ठीक है, देखा है ट्रेडेड। आगे है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला है Na3AlF6F6। ठीक है, उसी तरह है सोडा एस। ठीक है, इसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक,
ठीक उसी प्रकार से कैल्शियम, कैल्शियम जो है मुख्य रूप से मिलता है हमको जिप्सम से, ठीक है। जिप्सम से फॉर्मूला होता है कैल्शियम सी ए एस फोर डॉट टू एच टू ओ, ठीक। और जिप्सम से ही बनाया जाता है पी ओ पी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है सी ए एस फोर डॉट हाफ एच टू ओ, ठीक है। सी ए एस फोर डॉट हाफ एच टू ओ ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, ठीक। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, और आता है फ्लोर स्पार, फ्लोर स्पार जो होता है वो सी ए एफ टू, ये कहलाता है फ्लोर स्पार, ठीक। तो ये जो मिनरल्स हैं उससे हम लोग ये मेटल्स को आसानी से निकाल सकते हैं। ओके आगे का मेटल्स है मरकरी। मरकरी को मुख्य रूप से सिनेबार से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सिनेबार ऐसा अयस्क है जहाँ से मरकरी को हम लोग बहुत ही अधिक अमाउंट में मुख्य रूप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। आगे है मैग्नीज। मैग्नीज को मैंगनीज से प्राप्त किया जा सकता है, इसका फार्मूला है Mn2O3.H2O। क्रोमियम, क्रोमियम को क्रोमाइट से हम लोग मुख्य रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जिसका फार्मूला होता है Cr2O3.FeO। ओके